नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ सुनील चौरसिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला कंगारू के लिए काफी बुरा साबित हुआ क्योंकि उनकी पहली पारी सिर्फ 195 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए तो रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट अपनी झोली में डाले। अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा को भी 1 विकेट मिला जबकि उमेश यादव की झोली आज खाली रही। बता दें कि आज भारत के लिए 2 खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है जिनमें शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज के नाम शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले साल 2013 में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक साथ 2 खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। साल 2013 में रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था।